कोर्ट के निर्णय की बात करी थी पब्लिक डोमेन की, सेक्शन 8(1)(j) के बारे में। ये सारे देश में सारे सूचना अधिकार पे लागू होते हैं। हर मामले में सबसे पहला जवाब पब्लिक अथॉरिटी का ये होता है कि जी 8(1)(j) के तहत निजी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। हर बार जहां भी हम ये बात रखते हैं, हम ये फिरानी होटल का साइटेशन पूरे डिटेल के साथ उनके सामने सबमिट कर देते हैं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने भी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने भी, सीआईसी या एसआईसी के सामने भी। उसके बावजूद भी उसका निर्णय वही रहता है कि आप डिग्रीज की कॉपी नहीं मांग सकते, 8(1)(j) पे आती है, सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं मांग सकते, उसके अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी नहीं मांग सकते। लगातार वो एक ही बात बोलते हैं जी 8(1)(j). उनके सामने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रख दिया, स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन सबके लिए बाध्य है। उसके बावजूद भी जो सूचना अधिकारी हैं वो कहते हैं मैंने अपना जजमेंट पास कर दिया, मिस्टर अशोक गोयल इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू गो टू हाई कोर्ट। मैं तो दिहाड़ी मजदूर आदमी हूं, सुबह गड्ढा खोदता हूं, शाम को पानी पीता हूं, मेरे पास इतनी धनराशि नहीं है। निरंतर मेरे अधिकारों की अवहेलना सारे देश में हो रही है, मेरे जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट की अवहेलना 8(1)(j) में सारे देश में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को मानने से इंकार सारे देश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर एसआईसी सीआईसी निरंतर कर रहे हैं। डीओपीटी की तरफ से सारे सूचना अधिकारियों को एक चिट्ठी चली जाए, देश भर के सूचना अधिकारी सूचना आयुक्तों को एक चिट्ठी चली जाए कि भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी तय कर दिया 8(1)(j) का, और अब हर मामले में आप 8(1)(j) की दुहाई देना बंद करो, नहीं तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल इश्यूज है जिस पर हम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जैसा कि अशोक गोयल साहब ने बताया हमें। यही सारी समस्या सारे एक्टिविस्टों के साथ में आती है जो अशोक गोयल जी अभी बता रहे थे कि 8(1)(j) का वो दुरुपयोग कर रहे हैं आरटीएन लोक सूचना अधिकारी। जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पे अपना निर्णय सुना दिया। रानी होटल वाला जजमेंट बड़ा स्पष्ट है कि 8(1)(j) में कुछ नहीं आएगा जो पब्लिक डोमेन में आ गया। मेरी बात से सहमत नहीं होने का अर्थ यह है कि वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से सहमत नहीं हूं, और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से अगर सूचना कमीशन सहमत नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नीरज जी कुछ बताएं इस बारे में, आप क्या समझ रखते हैं इसमें? अशोक जी आपका कहना काफी हद तक सही है। मैं आपको जजमेंट का मेन मुख्य बात पढ़ के सुना देता हूँ, दो मिनट लगेंगे। ये जजमेंट, प्लीज नोट दैट मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट बाय मी वाज रिजेक्टेड बाय द पीआईओ ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। प्लीज नोट दैट वेरियस कोर्ट्स हैव पास्ड द जजमेंट दैट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी डिनाइड बाय सेइंग दैट इट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 8(1)(j) ऑफ आरटीआई एक्ट। प्लीज नोट दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय इट्स जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया appellate jurisdiction civil appeal number such and such arising out of slpc such and such Firani Hotels private limited appellant versus the state information commission greater mumbai and others respondents mentioned that item number 15 tha iska the purpose of the said act is apparent from section 6 of the said act which provides for the manner of making a request for obtaining information in terms of section 2 of the section 6 of the said act. There is no mandate on the applicant to give any reason for requesting the information, i.e. anybody should be able to obtain the information as long as it is part of the public record of public authority. Thus, even private documents submitted to public authorities may under certain situation form part of public record in the this behalf. We may usefully refer to section 74 of the Indian Evidence Act 1872 defining public documents as under public documents mein sara kuch bata diya, documents forming the acts of record of act of the sari cheeze ye iske andar bata di, theek hai. Fir wo keh rahe hain public records kept in any state of private documents, wo keh rahe hain private documents bhi kisi bhi state mein public record ke taur pe rakhe gaye hain to public record ho gaye. Ab ye keh rahe hain the only exemption from disclosure of information of whatever nature with the public authority is
एज पर सेक्शन 8 and 9 ऑफ द सेड एक्ट. Thus, unless the information sought for falls under these provisions, it would be mandatory for the public authority to disclose the information to the applicant. अब मेरा जो इसमें argument है, मेरा जो इसमें निवेदन है, वो बड़ा स्पष्ट है. फरानी होटल वाला जजमेंट जब एक नजीर बन गया, आपके पास इसका कोई तोड़ नहीं है, आप अपने निर्णय में इसके बारे में दो शब्द नहीं लिख रहे, आप अपने निर्णय में कहीं ये बात नहीं कह रहे कि फलाने जजमेंट के तहत ये जजमेंट नल एंड वॉइड हो गया. जब तक ये जजमेंट नल एंड वॉइड नहीं हुआ, चाहे 5 जज की बेंच हो या किसी का भी हो, तो वो इस जजमेंट को कैसे नकार सकते हैं मेरे पक्ष में निर्णय देने से. ये 8(1)(j) का मामला और ये सुप्रीम कोर्ट का फरानी होटल का डिसीजन का मामला सारे देश के आरटीआई एक्टिविस्टों को तंग कर रहा है. हमें तो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हमारे पास उपलब्ध हैं, उन निर्णयों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाएं, और उन आदेशों की अवहेलना अगर कोई सूचना आयुक्त कर रहा है तो उसका तोड़ कैसे निकालें.